हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन है। तो इसका जो है हिंदी, जापान को जो है हम लोग जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जापान को जो है हम लोग उगते हुए देश भी, उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। तो आज जो है मैं आप लोगों को उगते हुए सूरज का देश जो है हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोग जो है, जो भी आप लोग जो है, आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने जो है, जो भी 6 लेसन तक पढ़ाया हुआ है, तो उसको जो है आप लोग फिर में जो है उसको नोट करते जाए, ताकि आप लोगों का टेस्ट के लिए जो है ओरल टेस्ट होगा, तो आप लोग बोलते हैं कि फेयर कंप्लीट नहीं है, कई समस्या पूछा गया, बताया गया था। लेकिन इसके लिए जो है आप लोग पहले से अलर्ट रहे, और जो भी नोट्स बताया जाता है तो उसे जो है आप लोग नोट्स अपने जो है कॉपी में नोट करें। और जो भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जो है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे एक कमेंट बॉक्स आता है, तो वहां पे आप लोग कमेंट में ये मेंशन करें कि हमें जो है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसका सलूशन करूंगा। तो जापान को जो है हम लोग उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को जो है हम लोग उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। जापान को जो है हम लोग उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। जापान प्रॉपरली कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जापान जो है आमतौर पे जो है इसे जो है उगते हुए सूरज जो है कहा जाता है। इट नोन इज ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और ये जो है ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। द सन क्लैड हाई माउंटेन एड टू इट्स ब्यूटी। बर्फ से ढके हुए पहाड़ इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। बर्फ से जो ढके हुए जो पहाड़ होते हैं इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड एस्टीम दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर द लवली गार्डन विद डियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड एंचेंट द विजिटर्स। वही सो ब्यूटीफुल लेक्स, यहाँ की जो सुंदर सुंदर जो झील है, झरने हैं, तो यहाँ की जो झरने और झील है वे चमकीली चांदी की तरह चमकते हैं। वे जो है जैसे चांदी चमकता है वैसे ये चांदी की तरह यहाँ के झील और झरना का जो पानी होता है वो चमकता है। और यहाँ के जो सुंदर सुंदर जो बगीचे हैं, सुंदर जो बगीचे हैं वे सुंदर फूल और सुंदर जो है फल से दर्शकों का जो है मन जो है मोह लेते हैं। यानी उन लोगों का जो है मन को जो है एकदम तसल्ली मिलती है कि हाँ हम आए हैं तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच एज वी डू नॉट फाइन हाउस लाइक आवर्स। भौगोलिक कारण, जापान में जो है जैसे हम लोगों का घर होता है वैसे ही उन लोगों का घर हम लोगों के जैसे जो उन लोगों का घर नहीं होता है। जो जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउस ऑफ ब्रिक और स्टोन। जापानी लोग का जो घर होता है वे ईट और पत्थर का नहीं बना होता है। दे बिल्ड वुडन हाउस, उनका घर जो होता है लकड़ी का बना होता है विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। और उनका जो दीवार जो होता है मोटे कागज यानी जिसे हम लोग कूट कहते हैं उसका बना होता है। दे यूज 3 या 4 स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडो। हाउ स्ट्रेंज, वे शीशे के 3 या 4 टुकड़ों का उपयोग करते हैं। शीशे के क्या होता है 3 या 4 टुकड़ों का उपयोग करते हैं जो कि खिड़कियों का काम करते हैं। वो भी बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही अजीब लगता है।
विथ रिगार्ड फॉर कुकिंग जापानी डू नॉट बर्न फायर्स डियर रूल्स। अब देखिए खाना बनाने के लिए जापानी लोग जो है वे लोग जो है अपने घरों यानी कमरों में जो होते हैं आग नहीं जलाते हैं। दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, वे जो है खाना पकाने के लिए जो है स्टोव का उपयोग करते हैं। सो इट इज हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानी हाउस, इसलिए जो है हमें जो है जापानी घरों में जो है धुआं जो है क्या होता है हम लोग मुश्किल से भी नहीं देख पाते हैं। यानी वहाँ पे जो है स्टोव का यूज होता है तो इसलिए वहाँ पे रूम से क्या हुआ बाहर बनता है, वे रूम में क्या होता है आग को नहीं जलाते हैं, इसीलिए जो होता है वहाँ के घरों में जो होता है हम लोग धुआं नहीं देख पाते हैं। जापानी आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश, जापानी लोग जो होते हैं वे चावल और मछली खाने के शौकीन होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी बट बियर टी हैज नाइदर मिल्क और शुगर इन इट। वे लोग जो होते हैं चाय पीने के शौकीन होते हैं, उन लोगों के वे लोग जो होते हैं अभी चाय पीने के शौकीन होते हैं। बियर टी हैज नाइदर, लेकिन उस जो चाय वो पीते हैं उसमें जो है वह दूध और चीनी जो है ना के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर जो है दूध और चीनी होते हैं। जापानी आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरिज विच इज लाइट स्मॉल ड्रोन बाई ए मैन। जापानियों को जो है सवारी करना पसंद है जो हल्की और छोटी होती है, आदमी द्वारा खींची जाती है। इट इज कॉल्ड रिक्शा, जिसे हम लोग रिक्शा कहते हैं, जिसे जो है हम लोग रिक्शा कहते हैं, रिक्शा जो है हम लोग भी यूज करते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड कैरिंग द हैंड फैंस, मेड ऑफ एक्स्ट्रा। उसी प्रकार जो है वे लोग जो है अपने हाथों से पुआल से बना यानी जो खरपतवार जो है उससे बना पंखा लेकर चलाना पसंद करते हैं। वे लोग जो है अपने हाथों से जो है पुआल जो खरपतवार जिससे जो है उससे क्या हुआ वे जो है पंखा बनाते हैं उसी का वे उपयोग करते हैं। जापानी आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीननेस, जापानी लोग जो होते हैं विशेष जो है सफाई पे ध्यान देते हैं। नो वन गोज इनटू द हाउस विद द शूज ऑन, कोई भी जो है वहाँ पे जब घर में प्रवेश करता है तो बिना जो है गोज नो गोज इनटू द हाउस विद द शूज। अब क्या वे लोग जो है जब घर में जो जाते हैं तो उन लोगों के घर में जो है वह जूता पहन के अंदर नहीं जाते हैं, जूता जो है वह लोग पहन के क्या वो अंदर नहीं जाते हैं। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट डस्टिट गेटिंग इन टू द हाउस, वे लोग जो है इस तरीके से दे प्रिवेंट डस्ट जो भी गंदगी गली की जो गंदगी होती है फ्रॉम गेटिंग द हाउस, इस तरह से वो क्या वो वील अंदर नहीं जाता है, तो जो भी गंदगी होता है पैर में लगा होता है वो क्या वो बाहर ही जाता है, वो अंदर नहीं जाता है। दे हैड टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, अब देखिए उन लोगों का जो है दो महत्वपूर्ण त्यौहार है, वन ऑफ गर्ल्स अनदर ऑफ बॉयज, एक जो है लड़कियों का त्यौहार होता है और दूसरा जो होता है वह लड़कों का त्यौहार होता है, फीस्ट ऑफ डॉल विच सेलिब्रेट ऑन 3rd March इन ए होली डे फॉर गर्ल्स। अब देखिए फीस्ट ऑफ डॉल, एक का नाम जो है वह फीस्ट ऑफ डॉल यानी गुड़ियों का त्यौहार जो होता है, ये जो है वह मार्च के महीने में छुट्टी का दिन होता है मार्च के महीने में, वह लड़कियों जो है वे जो है 3rd March को मनाती है। कौन से महीने मनाते हैं 3rd March को जो है लड़कियां जो जापानी लड़कियां जो होती है वे गुड़ियों का त्यौहार मनाते हैं। ऑन दिस डे इस दिन इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज स्मॉल सम डॉल टू प्ले विद, इस दिन जो होते हैं कुछ जो है जो गरीब लड़कियां होती है सम डॉल टू प्ले तो गुड़ियों के साथ खेलती है। जे रिजॉइस ए लॉट ऑफ ओकेशन, इस अवसर पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ कार्फ विच फॉल इन मार्च इन द डे व्हेन एवरीवेयर जापान फ्लाई द काइट एंड विच लुक लाइक ए फिश। अब देखिए समांतर जो है फीस्ट ऑफ कार्फ यानी कार्फ का त्यौहार, कार्फ जो है एक बार वहाँ की एक मछली होती है तो फिश ये जो त्यौहार पड़ा हुआ है तो क्या कार्प के नाम से पड़ा हुआ है कि एक प्रकार की मछली होती है, ये फिश टॉप यानी क्या वह कार्प का त्यौहार विच फॉल इन मई इन द डे
ये जो है मई के महीने में होता है। When every boy Japan fly a kite which like a fish, बच्चे जो है इस दिन प्रत्येक लड़का जो होता है इस दिन जो है पतंग उड़ाते हैं जो मछली की तरह दिखता है। जो क्या होता है मछली की तरह दिखता है। द कार्प इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प जो होती है वह बहुत ही मजबूत और बहादुर मछली होती है। एवरी बॉय इन जापानी होप्स टू ग्रो ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज ए कार्प, जापान में सभी बच्चे जो है वे आशा करते हैं कि हम लोग बढ़ेंगे और बहादुर से जैसे कार्प जो है मजबूत है वैसे ही हम लोग बहादुर और मजबूत बनेंगे। न्यू ईयर इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेट इन ईयर, अब देखिए नया वर्ष जो होता है नव वर्ष जो होता है जापान में जो है इसको भी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे इस दिन दे विजिट डियर फ्रेंड्स टेक प्रेजेंट विद देम, इस दिन जो होता है वे लोग जो है दोस्त के साथ जाते हैं बाहर दूसरे दोस्त के साथ जाते हैं टेक द प्रेजेंट विद देम, उनके लिए प्रेजेंट जो है बाहर भी ले जाते हैं। एट नाइट दे लाइट डियर हाउस, रात में जो है वे लोग जो है लाइट जलाते हैं। एंड स्ट्रीट विद पेपर लालटेन ऑफ डिफरेंट कलर एंड एंजॉय ग्रेटली, और गली में जो है वे लोग जो है लाइट जलाते हैं और लालटेन जलाते हैं विभिन्न कलर के जो है जिससे क्या और ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेसेस, जापान के जो बच्चे होते हैं वे साफ सुथरे जो है पोशाक पहनते हैं। दे नेवर स्पाइट इन द रूम, वे कभी भी जो है कमरे में जो है नहीं थूकते हैं, ये कमरे में जो है नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर, वे लोग कभी भी जब जो है वे लोग अंदर आना चाहते हैं तो इसके पहले उस दरवाजे क्या होता है खड़खड़ाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट, वे लोग हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं। एंड ऑलवेज पोलाइट टू देम, और उनके साथ विनम्रता से साथ रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे नेवर साउट और स्पीक लाउड, और देखिए वे लोग जो है बहुत ही नर्म जो है आवाज़ करते नर्म आवाज में बात करते। दे नेवर साउट और स्पीक लाउड, और कभी भी ये किसी से जो है चिल्ला के या ज़्यादा आवाज में ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। ही वेरी रेयर टू फाइंड जापानी जूडली इट वैन, और ये जो है बहुत ही जो है दुर्लभ है, बहुत ही रेयर केस में जो है मिलता है दुर्लभ में कि जो है कोई जापानी जो है किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करे, अभद्रता का व्यवहार। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ जापानीज इज दैट दे डू नॉट क्राई इफ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्फ, जापानियों में खास खूबी होती है कि यदि वे गिर पड़ते हैं या कुछ चोट लगती है जब वे गिर पड़ते हैं या उन्हें जापानी इज That do not cry if they fall down and hurt themselves, जब उनको चोट लगती है या जो है घाव लगता है तो वे लोग में जो है खासियत होता है कि वे लोग जो है चिल्लाते नहीं है, वे लोग जो है चिल्लाते नहीं है। दिस इज बिकॉज दी आर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन एंड स्माइलिंग फेस, उन लोगों को जो है कष्ट को देखते हुए भी वे लोग मुस्कुराते चेहरा में मुस्कुराते चेहरा से झेलना उनकी सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उन लोगों को जो है पॉलिसी प्रशिक्षण दिया जाता है सिखाया जाता है कि अगर आप कष्ट में हैं तो उस समय भी जो है आप जो है उसको जो है आपका चेहरा जो है मुस्कुराते रहना चाहिए, उसमें ही आपको बर्दाश्त करना ये चिल्लाना नहीं है। दिस हेल्प देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन, यह दिखाता है कि वे लोग जो बढ़ते हैं वे विनम्र होते हैं बहादुर, और यहाँ के आदमी और जो औरतें होती हुई भी विनम्र होते हैं। सिंटोटिज्म इज चीफ रीजन ऑफ जापानीज, इट टीच पीपुल जापानी टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड, सिंटोवाद जापानियों का प्रमुख धर्म है। सिंटोवाद जो होता है सिंटोवाद जो होता है जापानियों का मुख्य धर्म होता है। यह जापानियों को सुंदर चीज़ों से प्रेम करना यह जो होता है इट इज द पीपुल जापानी लव टू ब्यूटीफुल गर्ल्स ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो है प्रेम करना एंड ऑनर टू द डेड और मृतकों की प्रतिष्ठा का आदर करना सिखाता है।
दिस इज रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड पेपर लेदर कॉटन सिल्क सिल्क दे लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। यही कारण है कि वे लकड़ी कागज चमड़ा रुई सिल्क की सुंदर चीज़ें जो है बनाते हैं और उनकी मनोहर चीज़ें जो है अन्य देशों में निर्यात की जाती है। द जापानी हैव ऑलवेज हैव रिगार्डेड एज ए क्लीवर एंड हार्ड वर्किंग पीपुल दे नेवर सीट आइडल। जापानी जो लोग होते हैं वे हमेशा चतुर और परिश्रमी लोग के रूप में जाने जाते हैं। वे जो होते हैं दे नेवर सीट आइडल, वे कभी भी जो है बेकार नहीं बैठते, वे हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट देम ऑन देयर पैट्रियटिज्म, दे लव देयर कंट्री एंड आर ईवर रेडी टू टाई टू हर। देशभक्ति जो है उनमें ये खास बात होती है, उनमें जो है जो भी वहाँ के नागरिक होते हैं उनमें देशभक्ति होती है, वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वे अपने देश से प्रेम करते हैं, उसकी खातिर जो है वे हमेशा मरने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो आज जो है हमने जो है